नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एसबी न्यूज में। आइए लुक करते हैं कुछ खास खबरों की। प्रदेश स्तरीय माफिया अपराधी रिजवान जहीर की करीब 3,26,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। बलरामपुर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव, श्रीमान क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर श्री कुंवर प्रभात सिंह व उप जिलाधिकारी तुलसीपुर मंगलेश दुबे के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक तुलसीपुर व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गैसड़ी के नेतृत्व में आज दिनांक 12 मई 2022 को जनपद बलरामपुर पुलिस द्वारा प्रदेश स्तरीय चिन्हित अपराधी माफिया के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तुलसीपुर क्षेत्र अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय बलरामपुर के बाद संख्या 195/22 व बलरामपुर पुलिस की आख्या पर विचारोपरांत दिनांक 12 मई 2022 को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत माफिया अपराधी रिजवान जहीर पुत्र स्वर्गीय जहीरुल हक निवासी तुलसीपुर थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर और उसके परिजनों की तुलसीपुर स्थित संपत्ति जिसका विवरण निम्नवत है जब्त कर लिया गया है। गाटा संख्या 298, रकबा 1.313 हेक्टेयर, गाटा संख्या 295, रकबा 0.162 हेक्टेयर, उसमें बना मकान कोठी एवं उसमें मौजूद सामान की कुर्की की गई। उक्त जब्त कुर्क संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 3,26,63,779 रुपये है, जबकि टीम कुर्क की गई टीम का विवरण इस प्रकार है। उप जिलाधिकारी महोदय तुलसीपुर, क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर श्री कुंवर प्रभात सिंह, उप निरीक्षक कोतवाली गैसड़ी श्री माया हमरा, फोर्स पुलिस व राजस्व टीम। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा संबंधित सांसद से। कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई है, क्या पूरा मामला रहा है? आज दिनांक 12 मई 2022 को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश 14(1) गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा के तहत रिजवान जहीर पुत्र स्वर्गीय जहीरुल हक ग्राम शीतलापुर की संपत्ति कुर्क की गई है, जिसमें अराजी संख्या 298, जिसमें 1.313 हेक्टेयर जमीन को कुर्क किया गया है। साथ में उसमें जो कोठी है, कोठी पूरी कुर्क की गई, उसमें जो सामान था उसका फर्द कुर्की आदेश बना करके उसे उसको भी कुर्क किया गया। और इसी के जस्ट इस जमीन और घर के बगल में एक अराजी संख्या है 295, जिसका रकबा 162.162 हेक्टेयर है, जिसे भी कुर्क किया गया। इस कोठी और इस जमीन की मालियत लगभग 2,25,00,000 के आसपास है तथा आराजी संख्या 295 जो 0.162 हेक्टेयर जमीन है, जिसकी आज की मालियत लगभग 92,00,000 रुपए है। धन्यवाद। आज दिनांक 12/5/2022 को कुख्यात गैंगस्टर रिजवान जहीर द्वारा अपराध से अर्जित संपत्तियों में से जनपद बलरामपुर में अर्जित भूखंड, कोठी में सामान तथा स्टेट बैंक तुलसीपुर, पंजाब नेशनल बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक तुलसीपुर के खाते जब्त किए गए। जब्त की गई संपत्ति लगभग 4 करोड़ की है। जब्ती की कार्रवाई अभी भी प्रचलित है। धन्यवाद।